हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम है मेरी चैनल स्वीटी की दुनिया में। आप सब ही खुश रहिए और आप मेरी चैनल को इसी तरह देखते रहिए। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लाइक हम लोग ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, बाल हमें खुला नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल वी वॉन्ट टू डू दैट, राइट? तो किसी किसी के घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होता है कि नहीं, ये पूजा है, तुम्हें बाल खुल के नहीं जाना है। तो टुडे आई एम वेयरिंग सम इथनिक वेयर। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बाल भी खोलना है और कुछ हमें ऐसा करना है कि लोग हमें बोले भी ना कि हाँ, तुमने बाल खोला रखा है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैं जब भी बाल खुला रखती हूँ, मेरी मम्मी मुझे हर वक्त तूने बाल ही खुला रखना है, तो जो कि मम्मी को नहीं पसंद। तो मैं कुछ ऐसे हेयर स्टाइल कर लेती हूँ जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम टेकन नहीं रहेगा, आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं और आपको बाल खुला जैसा लगेगा भी नहीं। इट्स सूट्स यू, इट्स रियली सूट्स यू। अगर आपका बाल पे इतना वॉल्यूम नहीं, तभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल लुक रहेगा। तो चलिए हमारे इस हेयर स्टाइल की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बाल को, जैसे कि मैंने दो पार्टीशन में ले लिया है बाल को, आपको दो पार्टीशन में ले लेना है और ठीक सी पूरा बीच से आपको मांग ले लेना है। इस मांग ऐसे ले लेंगे तो आप देख सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से मांग दिखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अच्छे से आपको इसे लसा लेना है। अब क्या करना है, आपको ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट इस फिंगर से ऐसे लेना है। सबसे पहले आपको ये इतना बाल लेना है, इतना बाल आप देख सकते हैं, आपको इतना बाल लेना है। इसे जस्ट आपको घुमाना है, ऐसे घुमाना है। जब ये पूरा अच्छे से आप स्ट्रेट कर लेंगे, उसके बाद और एक आपको पार्टीशन लेना है, ये देखिए, इसमें इसको लगा लेना है और ये जो नीचे वाला है इसको इस पर ऐसे घुमाना है, इसे भी आपको घुमा लेना है। फिर ये जो बाल और थोड़ा सा बाल लेकर के आपको फिर उसमें घुमाना है। बस इस तरह आपको सारे यहाँ तक का बाल को आपको घुमाते रहना है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये पार्ट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इतना सा ले करके पीछे एक क्लिप ले करके आपको उसमें लगा लेना है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, इसे लेना है, फ्रेंड्स। अब आपकी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। और जो आपको ये ऐसा प्लफ लगेगा, आपको मन है तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे खींच भी सकते हैं ताकि ये ऐसे बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह खींचा, इससे क्या होगा ना, आपको बाल थोड़ा वॉल्यूम लगेगा। बस अब इसे अच्छे से आप इसे लसा लें और कुछ इस तरह से छोड़ दें। और अगर आपको एक लट निकालने की इच्छा है तो आप लट भी निकाल सकते हैं। राइट, आई एम नॉट डूइंग दैट। तो नाउ दिस इज़ योर हेयर स्टाइल और ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग के इतने वेयर में। बाल खुला का खुला भी रह गया और आगे से हम लोग का टाइट भी हो गया। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय कहना चाहूँगी। आप सब के दिन शुभ हो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे फॉर यू, बाय बाय।